Welcome to SJ Inceptions, your aquarium channel. I am at the Aqua Planet Aquarium Fish Shop that is located at Kurla East. So, सबसे पहले मैं आपको इनका जो newly arrived stock है, ये जो आप पूरा rack देख रहे हैं, ये पूरा newly arrived stock है इनका. तो ये हमेशा पहली tanks में arowanas रखते हैं. And मैं आपको red cap, orandas और ryukins दिखाना चाहता हूँ. आप इनकी quality देख सकते हो. Red and white ryukin, okay? और यहाँ पे पैरट्स भी इनके पास और आए हैं. देन क्रेफिश इनके पास आई है, रेड वाइट ब्लू और ऑरेंज कलर में. और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इन टैंक्स में और इनका नया स्टॉक आया हुआ है. एंड इनके पास आपको स्मॉल साइज फिश वैरायटीज भी काफ़ी मिलेगी. So make sure you stay tuned till the end of this video to watch all the varieties that are available at Aqua Planet Aquarium Fish Shop. तो हमारे साथ है Aqua Planet के सेलर. तो भाई क्या नाम है इसका? ये आर्चर फिश है, गोल्डन आर्चर बोलते हैं इसको. अच्छा, इसका बिहेवियर कैसा होता है? ये एग्रेसिव में आता है. ओके, एग्रेसिव फिश में आता है. ये चिकलेट वैरायटी के साथ रहता है, पैरेट के साथ रहता. अच्छा, ओके. और ये नीचे वाली एलिफेंट नोज है, आप उसकी नोज देख सकते हो. कुछ अलग वैरायटी है यहाँ पर. जैसे कि आप लास्ट टाइम आए थे यहाँ पर शॉप पे, तो ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं थी. मैंने आपको बोला था कि अभी फिलहाल कोरोना के कोरोना है जब तक का, तो फ्लाइट वगैरह कम आ रही है जी जी जी. इम्पोर्टेड, तो ये सब इम्पोर्टेड वैरायटीज है. राइट. तो वीक में एक बार, 20 डेज में एक बार हमारी फ्लाइट आती है इम्पोर्टेड की. तो जब ये अभी नया स्टॉक उतरा है यहाँ पर, आर्चर वगैरह हो गया, एलिफेंट नोज वगैरह हो गए. ओके, इसके अंदर. ऑलराइट, उसके बाद में यहाँ पे ये मोनोसे भी है. मोनोसीबे, ओके. यहाँ पर ये मोनो एंजल फैमिली है. यहाँ पर ये मरीन होते बेसिकली, ये फ्रेश वाटर में भी कन्वर्ट हो जाती है. अच्छा, तो मान लीजिए कोई अगर ये घर पे लेके जाते हैं ये मोनोसीबे फिश, तो टाकी में फिश टैंक में सॉल्ट ऐड करना पड़ता है? मिनिमम क्वांटिटी आप अगर सॉल्ट ऐड करोगे तो बेसिकली हम सब फिश के लिए करते हैं. अच्छा, उसको भी मिनिमम आप ऐड करते हो तो ठीक है. अभी मान लीजिए किसी के पास एक्वेरियम सॉल्ट नहीं है, तो उसके अलावा क्या अल्टरनेटिव है? अपना रॉक सॉल्ट डाल सकते हो आप इसके साथ. रॉक सॉल्ट, ओके. नॉन आयोडाइज्ड होना चाहिए वो. नॉन आयोडाइज्ड होना चाहिए, ओके. और एक इसको अगर मरीन फिश टैंक में भी अगर इसका सेटअप करना चाहो तो ये मरीन में भी रहता है. ओके, क्लाउन वगैरह के साथ रहता है यहाँ पर. ओके, और एक वैरायटी जो नई आई हुई है ये यहाँ पे है, इसका क्या नाम है? ये प्लैटी है. प्लैटी, कोरल प्लैटी है. कोरल प्लैटी, नॉर्मल प्लैटी से क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है इसमें साइज में कम रहता है. आप देख सकते हो ये इम्पोर्टेड प्लैटीज में आती है, बलून होता है इनमें ज़्यादा करके. शेप वगैरह देख लो आप, इनकी आइज वगैरह देख लो, पीछे का टेल वगैरह देख लो. तो नॉर्मल प्लैटी आप देखोगे इसके अंदर डिफरेंस ये देखो, यहाँ पर आप ये अगर मैं पॉइंट करता हूँ यहाँ पर, तो आपको देखो इनका राउंड शेप होता है. जी जी. और नॉर्मल प्लैटी जो हमारी कलकत्ता मद्रास से आती है उसमें कुछ डिफरेंस होता है. ओके, वो राउंड शेप में नहीं होती. देख लो आप, कोरल प्लैटी से कहा जाता है. जी जी जी. देखो शेप देख लो उनका, डिफरेंट है कमेंट जी. और ब्राइट कलर है ज़्यादा इसमें जी. ऊपर की टैंक हम लोग देख लेते हैं, ये वाली क्या वैरायटी है? क्रेफिश है ये. ज़्यादा करके लोग हमारे व्यूवर्स जो होते हैं उनको लॉबस्टर वगैरह बोलते हैं, इसको क्रेफिश बोला जाता है. ये तीन चार कलर्स में अवेलेबल है अभी फिलहाल. अभी हमारे पास रेड है, ब्लू है, वाइट है. ओके, इसमें एक येल्लो भी आता था कि येल्लो भी है जी. और चार वैरायटी. ओके, तो आपने जो आर्टिफिशियल एक्वेरियम प्लांट्स रखे हैं, तो ये चढ़ के बैठे मैं देख सकता हूँ, बहुत सारे जो है चढ़ के बैठे हैं इसके ऊपर. तो इनको ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं ऐसे प्लांट्स? ये फैमिली जो ये श्रिम्स फैमिली है. हम जैसे श्रिम्स को हम प्लांट्स वगैरह का वो देते हैं जी जी, वैसे इनको भी देना पड़ता है क्रेफिश को. नहीं तो ये आपस में ना लड़ते हैं. अच्छा, आपस में. अच्छा, जैसे हम श्रिम्स को देखते हैं वो अगर आप उनको प्लांटेशन का वो नहीं दोगे तो अच्छा, वो खुद ब खुद लड़ते हैं और अपना जो शेल होता है वो खुद ब खुद निकाल देते हैं. अच्छा, तो इनमें भी यही रहता है. जैसे कि आप इनका ये देख रहे हो जी जी, ये ऑब्जेक्ट जो ये इसके अंदर देखिए, ये जो हैंड है इनका ये तोड़ देते हैं एक दूसरे. अच्छा, अगर आप ये चीज़ नहीं रखते हैं जैसे, तो ये तोड़ देंगे. तो इनके लिए प्लांटेशन वगैरह होना ज़रूरी है. श्रिम्प, आप श्रिम्प फैमिली से, तो आप जिन्होंने श्रिम्प रखा होगा वो तो जानते होंगे इसके बारे में कि ये चीज़. और फिश फूड खाते नॉर्मल की कुछ अलग देना पड़ता है? फ्लेक्स वगैरह आप डाल सकते हो इनको, फिश फूड नॉर्मल वगैरह अगर आपके पास ब्लड लाइट जैसे लाइव ब्लड वॉन्स है वो सब खाएंगे. जो भी डाले वो सिंक होना चाहिए, फ्लोटिंग वाला नहीं खा सकते. फ्लोटिंग वाला नहीं खा सकते. अच्छा, एक मैं देख सकता हूँ डायरेक्टली ऑक्सीजन एयर पाइप के ऊपर उल्टा लटका है जी. तो ये थे क्रेफिश. ये है नेक्स्ट फिश टैंक. इसके अंदर भाई कौन सी फिश है? इसके अंदर टाइगर ऑस्कर है, देख सकते हो आप. ये टाइगर ऑस्कर जी जी, ये ब्लैक वाले जितने भी देख सकते हो आप टाइगर ऑस्कर है जी जी. ये अराउंड 12 to 15 इंचेस बढ़ते हैं. अच्छा,
आप इसके कलर दे सकते हो, इसको हम टाइगर ऑस्कर इसके लिए बोल सकते हैं, पैटर्न आ रहा है इसके ऊपर टाइगर, ये आप बढ़ेंगे तो और इसके बॉडी के ऊपर कलर आएगा। इसके अंदर ही एक और वैरायटी, सेम वैरायटी ऑस्कर की है, बट वो अल्बिनो टाइगर ऑस्कर है, अल्बाइनो टाइगर ऑस्कर। जी ये देख सकते हो यहाँ पर अल्बिनो टाइगर, हम इनके पैटर्न देख सकते हैं। पैटर्न सेम है बट कलर अलग है। फिर उसके बाद हम एक वैरायटी यहाँ पर रेड फायर ऑस्कर है, रेड फायर जी, पूरा मतलब पैटर्न फायर की तरह होता है जी, फायर उसमें कोई डिजाइन वगैरह कुछ नहीं आएगा, पैटर्न वगैरह कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट बॉडी एकदम गोल्डन रहेगा, प्लेन रहेगा। अच्छा, और रेड आई रहेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट फिश टैंक दैट वी आर कवरिंग, और इसके अंदर की आप फिशेस देख सकते हो, काफी ब्राइट कलर्ड है, आप इनके कलर्स और इनके पैटर्न्स देख सकते हो, काफी एकदम प्रॉपरली डेवलप्ड है और ब्राइट है काफी। हम सेलर से जानेंगे इनका नाम, कौन से फिशेस है। ये अफ्रीकन चिकलेट्स है, ओके, फ्रॉम लेक मलावी, लेक मलावी है, ओके। तो जैसे कि आपने पिछले टाइम पे देखा था, ये टैंक कवर किया था, इतने वैरायटीज नहीं थी पहले टाइम पे हमारे पास, ये न्यू स्टॉक अभी हमारे पास आया जी जी, ये अराउंड 2 डेज हो गया हमारे पास, अभी ये न्यू स्टॉक आया इम्पोर्टेड का, ओके। तो उसके अंदर आप कलर देख सकते हो, उसके अंदर 5 कलर्स देख सकते हो, ये लोग काफी लाइक करते हैं 5 कलर्स। ये बनाना चिकलेट हो गया, ओके, इसके अंदर ये येलो हो गया, ये डॉल्फिन देख सकते हो, यहाँ पे भी लोग डॉल्फिन को काफी, ये वाला जो है डॉल्फिन, ये पीछे आप देख सकते हो, ये वाला हम देख सकते हैं, ये डॉल्फिन हो गया, शेप से मालूम पड़ता है डॉल्फिन हो गए। ये स्ट्रॉबेरी हो गया, पिछले टाइम पे जब आप कवर किए तो इतना स्टॉक नहीं था हमारे पास चिकलेट वैरायटी जी जी। इसके लिए अगर आपको, अगर कलर्स वगैरह आपको वाइब्रेंट चाहिए, लोग काफी बोल जा रहे हैं सर कलर डल हो जा रहा है, हो जा रहा है, तो इसके लिए आप बेसिकली क्या करें, आप ना सैंड जो होता है ना, कोरल सैंड यूज करें या कोरल अपना सॉइल यूज करें, राइट, और रॉक अपना लावा रॉक वगैरह जो अपने रॉक होते हैं वो यूज करें, तो इसका कलर जो कि चिकलेट में अगर आप ये सब चीज़ ऐसे नहीं यूज करते तो इनके जो कलर होते हैं वो डल होते हैं। इनको मेन पीएच चाहिए होता है, तो जैसे कि आपने बताया कोरल सैंड और रॉक से जो पीएच है मेंटेन हो जाता है, एंड चिकलेट्स के लिए क्या एक्वेरियम सॉल्ट भी नेसेसरी है ऐड करना, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और इनको हीटर लगता है, अगर आप हीटर लगाओ तो बेटर है, नहीं तो नहीं, अगर ऐसा नहीं लगाओगे तो इसके अंदर आपने बताई बनाना है, 5 कलर है, स्ट्रॉबेरी है, और ये एक देख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये लास्ट टाइम नहीं थी, डेमासोनी। हम इसके पैटर्न देख सकते हैं, एकदम जो ब्लैक स्ट्राइप्स आप देख सकते हो, एकदम प्रोमिनेंट है इसके बॉडी के ऊपर जी, इसको डायमेंशन। लास्ट टाइम ये हमको नहीं मिली थी कवर करने, मैं नीचे भी आपको दिखा था, और भी काफ़ी सारी है सिकलेट्स में, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है बिकॉज ऑफ द ब्राइट स्ट्राइप्स, और बीच बीच में आप देख सकते हो कि हल्के से ब्लू कलर भी आता है, ज़ेब्रा चिकलेट भी बोलते हैं, ज़ेब्रा चिकलेट, लेकिन बढ़िया डायमेंशन चिकलेट, राइट। और एक भाई टैंक है उस तरफ, वो हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये छोटे साइज के सिकलेट्स हैं, ये छोटे साइज की चिकलेट्स हैं यहाँ पर। अच्छा, सेम वैरायटी है, ओके, सेम है अफ्रीकन चिकलेट्स फ्रॉम मलावी लेक, बट इसके अंदर देखो आप वहाँ पर लेपर्ड आपको नहीं दिखा, यहाँ पर लेपर्ड, मतलब उसमें एक कलर ये वाली लेपर्ड है यहाँ पे, ये देखो ये लेपर्ड ये वाली, ओके। इसके अंदर और भी 3-4 कलर है, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी कलर देखे थे आपने, यहाँ पर फुल रेड कलर देख सकते जी जी जी। तो वो वाले क्या साइज के थे, ये वाले क्या साइज के, 2 इंच के साइज के, ये वाले जी अगर देखोगे तो ये 2 इंच के साइज है, ये आपको 3 इंच के साइज के, बेसिकली रेट का डिफरेंस है, ओके। और ये वाले अभी जो आपने बताया कि 3 इंच साइज के हैं, तो ये कितने बढ़ते हैं, क्या साइज तक अटेंड कर लेते हैं, अराउंड 8 to 9 inches, 10 inches तक का ये बढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेट लास्ट साइज, लास्ट साइज आप और भी ले सकते हो, लेकिन 8 to 9 inches रहते हैं, ओके। ये नेक्स्ट फिश टैंक, इसके अंदर 2 वैरायटीज़ है, सबसे पहले ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिकॉज इसकी हम हेड का जो हम्प है, वो जो शेप है देख सकते हैं, क्या नाम है भाई इनका, बलून डॉल्फिन है, ये नया वैरायटी आया है, उसके साथ ही मैंने बताया था आपको कि कुछ नए वैरायटीज हमारे पास आने वाले हैं जी जी जी, उसमें से एक वैरायटी ये भी आया बलून डॉल्फिन, आप शेप हेड के ऊपर से हमें पता लग जाता है कि एकदम जो डॉल्फिन का जो हेड का हम्प होता है, शेप होता है, उसी तरह इस फिश का, ये क्या सिकलेट कैटेगरी में आता है, सिकलेट कैटेगरी में आता है, बट इनका ज़्यादा ये बढ़ते नहीं है, ये राउंड शेप में होता है, जिसके अच्छा बलून बोला जाता है, बलून डॉल्फिन, ओके, बलून डॉल्फिन, ऑलराइट। क्योंकि हम जो पहले आपने हमको दिखाई सिकलेट्स, डॉल्फिन सिकलेट्स, उनकी बॉडी लंबी थी, इनकी गोल सी है, इसी लिए बलून डॉल्फिन बोला जाता है। इसमें एक और वैरायटी है रेड शिवराम, देखिए आप कलर देख लीजिए, रेड शिवराम जी जी जी, फाइन स्पॉटेड रेड कलर है उसका, रेड शिवराम, तो ये इम्पोर्टेड है, लोकल में भी आता है, बट लोकल में इतना वाइब्रेंट कलर नहीं रहता, इम्पोर्टेड में ज़्यादा कलर होता है, इम्पोर्टेड में हाई क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी का स्टॉक आता है, तो हम इम्पोर्टेड मंगाते हैं, ओके। तो इस टैंक में थे 2 फिशेस, डॉल्फिन क्या बोला, और बलून डॉल्फिन सिकलेट और रेड सेवरेज। अब हम आपको दिखा रहे हैं फैंसी गोल्डफिश की 2 टाइप्स इन 2 टैंक्स में। सबसे पहले हम ये फिश टैंक देखेंगे, और इनकी आप क्वालिटी का जो
अंदाज़ा है वो इनके ब्राइट कलर्स के ऊपर ही आप चेक कर सकते हो। ये फिश का क्या नाम है भाई? रुकिंग गोल्ड है, ये भी इम्पोर्टेड वेराइटी है, जैसे कि आप कलर वगैरह देख सकते हो, जी जी वगैरह देख सकते हो जी। लोकल में भी आता है बट ये कलर ये उसमें ये वेराइटी नहीं आती है, राइट? जैसा शेप वगैरह आप देख सकते हो उसके अंदर, जी जी इसके अंदर रुकिंग गोल्ड इस तरह। आपको एक और टैंक में यहाँ पे मूव करोगे आप उसके लेफ्ट साइड में तो ये लायन हेड ओरंडा गोल्ड बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेड वेराइटीज है। इनकी जेली वगैरह आप देख सकते हो यहाँ जी जी, ये इम्पोर्टेड वराइटीज है यहाँ पर। तो ये लायन हेड बोलते हैं हम इनके, लायन हेड ओरंडा गोल्ड जी जी। और ये जो इनकी जो हेड का पार्ट जो कॉमन लैंग्वेज में जेली बोलते हैं, तो ये क्या जैसे बढ़ते हैं ये लोग तो ये और डेवलप होती है, ग्रो होती है, और डेवलप होते हैं, मतलब इनकी आँख वगैरह सब कवर हो जाते हैं, आईज वगैरह सब कवर हो जाती है जेली से। अच्छा, साथ साथ में जेली भी इनकी कवर होती है। ओके राइट। इस टैंक में है लवली लुकिंग गोल्ड फिश और ये तीसरी गोल्ड फिश वराइटी हम कवर कर रहे हैं एक्वा प्लैनेट में। तो भाई इनकी बेलीज में देख सकता हूँ कि पफ्ड अप एफ होगी हुई है, क्या नाम है इस फिश का? ये बलून पल स्केल है, आप देख सकते हो पूरा जो उसका शेप है वो बलून टाइप में। जी 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 जी, पूरा राउंड शेप में, राइट। मैंने आपने पिछले टाइम पे दिखाया था, वो टाइम पे इनकी हेल्थ कंडीशन मतलब इतना वो नहीं थी। जी जी जी, अभी आप देख सकते हो ना कि इसके ऊपर स्पॉट वगैरह ना कि, और वो प्रॉपर मूव कर रहे थे जी। आप जब लास्ट टाइम आए थे तो इन ये बरोबर मूव वगैरह नहीं कर रहे थे जी। इनके जो टेल वगैरह पे स्पॉट वगैरह लगा था, मैंने आपको बताया था कि ये फिश बीमार है। जी जी जी, हेल्थ कंडीशन इनकी सही नहीं है। और मैं देख सकता हूँ कि हेल्दी लग रहे हैं, एकदम प्रॉपरली स्विम कर रहे हैं और कलर्स भी निखर के दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम। जब इनके हेल्थ कंडीशंस वगैरह डाउन रहती है, बीमार रहते हैं जी जी, तो कलर वगैरह ये जो कि अपना छोड़ देते हैं जी जी जी, इनके कलर फेड हो जाते हैं और ये प्रॉपर मूव नहीं कर पाते, स्पॉट वगैरह इनके टेल वगैरह। अभी देखो आप प्रॉपर से मूव कर रही है सही बात है नीचे, तो और अगर जब ये बीमार होते तो एक साइड में बैठ जाते हैं। सही बात है, मूवमेंट नहीं होता सही बात है। इस टैंक में है काफ़ी सारे आई प्लीजिंग डिस्कस, कौन सी वराइटीज़ है भाई डिस्कस की और क्या साइज़ है इसके अंदर? तीन वराइटीज़ है, तीन इंच के साइज़ है। अच्छा, आप देख सकते हो चेकर बोर्ड है, चेकर बोर्ड पर ये नीचे आप देख सकते हो चेकर बोर्ड है, इनके जो बॉडी के ऊपर चेकर जैसा डिजाइन। जी जी जी, फिर एक बार रेड कवर है। अच्छा, इसके अंदर रेड कवर है, देखो ये रेड कवर, रेड कवर, ओके। ये रेड वेलेंटाइन है, हाफ रेड हाफ वाइट होता है। अच्छा, इसके अंदर तीन, अभी आप ये देख सकते हो येल्लो क्रिस्टल, येल्लो क्रिस्टल येल्लो फुल येल्लो भी है इसके अंदर, जैसे आप ये देख सकते हो फुल येल्लो। अच्छा, फिर अपना येल्लो कवर भी इसके अंदर, ओके। इनके वाइट फेस होते हैं, ओके। यहाँ पर आप अभी यहाँ पर देख सकते हो ये हाइफिन डिस्कस है, हाइफिन वगैरह देख सकते हो आप। अच्छा, यहाँ पर पूरे ओके, कलर्स काफ़ी आई प्लीजिंग है। और ये कितने साइज तक बढ़ जाते हैं? ये अप्रॉक्सीमेटली 6.5-7 इंचेस तक का बढ़ते हैं। अच्छा, ओके। सो नेक्स्ट फिश टैंक में हम अगली वराइटीज़ कवर कर रहे हैं, इसके अंदर भाई कौन सी वराइटी है? इसमें तीन वराइटीज़ है, आप देख सकते हो जी जी। एक कोबाल्ट ब्लू है, ये वाली है कोबाल्ट ब्लू, ओके। और इसको लिली गुरामी है, इसको ब्लड गुरामी भी बोलते हैं बहुत लोग, लिली गुरामी। हाँ, ये लिली गुरामी, ओके। तो क्या देखिए इसके अंदर, देखो ब्लू गुरामी है अपना, ये वाली, हाँ ये वाली ब्लू गुरामी, ओके। तीन वराइटीज़ है इसके अंदर, ये प्लांटेशन एक्चुअली गुरामी, इसमें ये प्लांटेशन गुरामी काफ़ी ब्राइट कलर होता है इसका। अच्छा, प्लांटेशन में, और ये प्लांटेशन गुरामी बोलते हैं इनके ऊपर देखो ये ब्लू कलर का एक शाइन वो दिख रहा है जी जी जी, देख रहे हो इसमें, ये काफ़ी अच्छा होता है जब प्लांटेशन में आप ये सब गुरामीज वगैरह को छोड़ दो, आप नॉर्मल गुरामीज को छोड़ दो, जैसे कि मैं आपको नीचे वाले टाइम में दिखा था, दोनों के बारे में मैं डिफरेंस नहीं देख सकता, ये भी गुरामी है जी जी, ये भी गुरामी, बट आप इनको प्लांटेशन में नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अगर आप इनको प्लांटेशन में छोड़ दो तो ये डैमेज कर दे प्लांटेशन। अच्छा, यहाँ पर ये नॉर्मल गुरामी है, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ये वाले इनको, ये पर कौन से गुरामीज है? ये आप नॉर्मल गुरामीज कलकत्ता की, जो ब्लू गुरामी लोकल स्टॉक, या लोकल स्टॉक है, ओके, जो कलकत्ता से हमारे पास आती है। अच्छा, अगर आपको, अगर इसको नॉर्मल, अगर आपने इसको समझ लो इनके साथ छोड़ दिया, हाँ, अभी ये अभी इनके आपने इनको चिकलेट वगैरह के साथ छोड़ दिया तो ये नहीं रह पाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये प्लांटेशन, अगर ये गुरामी को आप नियॉन टेट्रा वगैरह हो गया, ब्लैक नियॉन हो गया, फिर उसके बाद माइक्रो गैलेक्सी राजपुरा जो भी अपना राजपुरा, ये उनके साथ रह जाएंगे एज कम्पेरेबल उनके साथ, ओके। बट ये इनको हार्म करेगी, नियॉन टेट्रा को वगैरह को ये हार्म करते, ओके। ये डायरेक्ट उनको मतलब एक फीडिंग, ये एग्रेसिव में आ जाता है थोड़ा जी, अगर ये गुरामी को देखोगे तो, और ये नॉर्मल गुरामी से, ओके ओके। तो इस टैंक में भाई एक वैरायटी की फिश भरी पड़ी है, क्या नाम है इस फिश का? टाइगर शार्क है,
टाइगर शार्क बोलते हैं हम। अच्छा ये बेसिकली फ्रॉम कलकत्ता, ये लोकल वैरायटीज है। अच्छा आप अगर बल्क क्वांटिटी लेते हो, मतलब ये लोकल लोग मतलब इसे पसंद करते हैं। अच्छा ये हम इसे बल्क क्वांटिटी में मंगाते हैं। ओके अराउंड हम लोग 3,000-5,000 मंगाते हैं अगर लोकल का लोकल फिश है। अगर आपको होलसेल रेट पूछना है इसका जी जी, तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके तो भाई लास्ट टाइम हम लोग कोइस कवर किए थे, बट ये नया स्टॉक आया हुआ है आपका? जी ये नया स्टॉक आया है। मैंने आपको बताया था पिछले टाइम पे जो कोइस थी वो हमारे पास बी ग्रेड क्वालिटी की कोइस। जी जी जी, इसके अंदर आप बी ग्रेड क्वालिटी है, बट बी ग्रेड में ये थोड़ा अपग्रेड है। अच्छा अच्छा, तो आप जैसे देख सकते हो जापानीज कोई है जी, आप देख सकते हो इसके पैटर्न वगैरह, फिर उसके ऊपर बॉडी के ऊपर मार्क वगैरह। ओके आप इनके फेस से पता कर सकते हो ये कौन सा कोई जापानीज कोई। जी जी जी, जापानीज जी जी। यह है नेक्स्ट फिश वैरायटी और आप इनकी हलचल देख सकते हो, काफ़ी चुलबुली सी है। और क्या नाम है भाई इनका? ये रेड टेल कैटफिश है। अच्छा यहाँ पर ये कैटफिश के फैमिली में आती है। जी जी, अभी देख सकते हो ये इनकी ग्रोथ अभी 2 inches है। अच्छा, बट ये मैक्स टू मैक्स बढ़ते 3 feet 3.5 feet। ओके, बट लोग है ना इनको, अभी मैं आपको एक बताना चाहूँगा, रिसेंटली एक कस्टमर आए थे हमारे पास, वो बोले अरे मैंने आपने ये कैटफिश को उसमें प्लांटेशन में छोड़ा। जी जी, तो वहाँ पर मेरे नियॉन वगैरह को इन्होंने हार्म कर दिया। अच्छा, मतलब हार्म कर दिया। ओके, तो ये प्लांटेशन लोग इनको प्लांटेशन में डालने के लिए थे, बट ये प्लांटेशन जो वो कैटफिश नहीं है। प्लांटेशन कैटफिश आप डाल सकते हो, कौन से ऑटो सिंप्लस वगैरह डाल सकते हो, ब्रिस्टल नोज डाल सकते हो, बट इसमें ये कैटफिश काफ़ी एग्रेसिव होती है और ये बड़ी होती है ना काफ़ी। हाँ ये 3 feet मैक्स टू मैक्स 3-4 feet होती है। जी, तो प्लांटेशन टैंक में डालना तो एकदम रॉन्ग आइडिया है, बहुत एग्रेसिव। जी ये है नेक्स्ट फिश वैरायटी और आप इनके कलर्स देख सकते हो, ये जो येलो कलर्स है काफ़ी ब्राइट दिख रहे हैं। क्या नाम है इनका? दिस इज बलून रामारोजी। बलून रामारोजी, ओके। आप इनको बलून गोल्डन बलून रामारोजी बोल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेड वराइटीज होती है, इसमें एक लोकल भी आता है। अच्छा, बट इनके शेप और इनके कलर से ये बलून रामारोजी। और मैंने जब आपने लास्ट टाइम पे इसे कवर किया था तो मैंने आपको बताया था ये थोड़ा वीक था वो टाइम पे, वाइट स्पॉट्स आए थे, बट अभी आप देख सकते हो एकदम क्लियर और मोर बराबर कर रहे हैं। जी जी जी, तो ये आपने हीटर ऐड किया या कोई मेडिसिन ऐड की? मेडिसिन भी ऐड किया उसके ऊपर, हीटर भी ऐड किया। अभी बॉम्बे के टेम्परेचर में आप अगर वेदर देखें तो कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है, सही बात है, तो उसकी वजह से फिश थोड़ा लूज पड़ जाता है। जी जी, बट आपको भी उसके लिए प्रिकॉशंस लेने होते हैं। सही बात है। तो दूसरे टैंक्स में बस फिश का नाम बता दीजिए आप भाई, जैसे कि इसमें इसमें सियामी एलिगेटर है जो नीचे है। जी, और वो गोल्डन एलिगेटर है उसके अंदर। ओके, ये आप प्लांटेशन में रख सकते हो, प्लांटेशन से करें। मैंने आपको बताया था रेड टेल फिश जो है वो कैट फैमिली, बट इसके साथ नहीं रह सकते। अच्छा, प्लांटेशन में आप इसको प्लांटेशन में। और ये जो ऊपर घूम रहे ये वाले सियामी एलिगेटर। जी, और इस इन टैंक्स में यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये कार्डिनल है, इसके अंदर कार्डिनल्स है, इसमें 3-4 वैरायटी मिक्स है। हाँ, अभी एक रमिनोज है। हाँ, और उसके बाद हार्लीगन रासबोर है। ओके, और जो लोग इसके अंदर पूछते हैं सर ये नियॉन कैसा दिया, ये नियॉन है क्या, बट नियॉन और कार्डिनल में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, ब्राइटनेस का डिफरेंस है उसके अंदर, उसके मतलब शेप का डिफरेंस है उसके अंदर, उनकी जो लाइन देख सकते हो। जी जी, ये टॉप टू बॉटम लाइन, माउथ टू टेल तक का आप देख सकते हो उसके अंदर लाइन, बट नियॉन में हाफ उसके ऊपर रहता है। अच्छा, हाफ बॉडी के ऊपर उसके लाइन रहता है। ओके, तो ये नियॉन में और कार्डिनल में बहुत डिफरेंस है। जी जी जी, उसके बाद रमिनोज देख सकते हो आप, नीचे रमिनोज उसका जो नोज होता है वो रेड होता है। अच्छा, बढ़िया भाई, उसको जूम कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो रमिनोज। जी, उसके जो नोज होते हैं वो रेड होते हैं। और नेक्स्ट फिश टैंक में यहाँ पे ग्लोइंग ज़ेब्रा। जी, ग्लोइंग ज़ेब्रा यहाँ पर इम्पोर्टेड वैरायटी है, लोकल वैरायटी में भी आता है, उनके कलर फेड हो जाते हैं। अच्छा, बट इम्पोर्टेड वैरायटी के कलर फेड नहीं होते यहाँ पर। ओके, और ये वाले टैंक में इसके अंदर काफ़ी टेट्राज है, जैसे कि आप ब्लू पर्ल के अंदर देख सकते हो, ये पार्क वैरायटी है अपना। अच्छा, इसके अंदर। ओके, फिर उसके बाद आप रेड आई टेट्रा देख सकते हो, ये वाली रेड आई टेट्रा देख सकते हो। फिर आपको मैंने तो मॉली का बताया था, वहाँ पर प्लेटी का बताया था, कोरल प्लेटी है। ओके, पेंचेक्स होते हैं, प्लांटेशन पेंचेक्स ये वाले। होटल चालू हुआ। ऑलराइट, इसको गप्पी कहते हैं हम, गप्पी ब्लैक टेल गप्पी से। यहाँ पर मॉस्को में देखो डिफरेंस है, यहाँ पर इनकी अभी जैसे कि ये वाली है, ये वाली बटरफ्लाई में आता है, ये बटरफ्लाई बटरफ्लाई में। और मॉस्को जी, ये मॉस्को फुल ब्लैक होता है। अच्छा, ये टेल ब्लैक है खाली इसका। अच्छा, हाफ ब्लैक हाफ वो है। अच्छा, उसकी आप मॉस्को कंपेयर करोगे तो ब्लैक मॉस्को जो होता है
वो फुल ब्लैक होता है। अच्छा। बट हमने नई वैरायटी लाया है यहाँ पर, मतलब देख 3 मंथ्स बाद आपको ये वैरायटी देखने के लिए मिल रही है हमारे पास। खाली इनकी टेल ब्लैक है। अच्छा। अब लोग बोलते हैं अरे ये फीमेल है क्या, बट ये फीमेल नहीं है, ये मेल है। अच्छा। इनकी वैरायटी तो फीमेल में, लोग बोलते हैं फीमेल्स में कलर नहीं होते, बट फीमेल्स में कलर नहीं होते सही है, बट यहाँ पर ये मेल है, इनकी पैटर्न ही वैसा है, मतलब ब्लैक वाला देख। स्मॉल साइज फिश वैरायटी है भाई कौन सी है? ये टाइगर बार्ब है, लोकल वैरायटी है फ्रॉम मद्रास। अच्छा। ये अगर आप बल्क में मंगाओगे, अगर आप ऑर्डर दोगे तो ये आपको उसको प्राइस लिस्ट वगैरह सब मिलेगा। ये काफी रनिंग आइटम है। अच्छा। टाइगर बार्ब और ब्राइट कलर होता है उसके अंदर, आप देख सकते हो पैटर्न उसके ग्रीन ग्रीन कलर का, इसके ऊपर वो पैटर्न होता है इसका टाइगर बार्ब। जी 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 जी। और नीचे टेल पूरा रेड होता है उसका। ये 3 टैंक्स भरे पड़े अरवानास के साथ, एंड ये इनका नया स्टॉक है। हमने लास्ट बार भी अरवाना आपको दिखाए थे, बट ये इनका रिसेंटली अराइव अरवाना स्टॉक है, एंड ये हमेशा उनके एंट्रेंस में अरवाना रखते हैं। तो भाई कौन से अरवाना है और क्या साइज़ है? ये सिल्वर अरवाना है जी, ये 12 इंचेस के अरवाना है यार। जी जी। यहाँ पर सिल्वर अरवाना कहा जाता है। ओके। और ये वाले? ये भी सिल्वर अरवाना है। साइज इनकी? साइज में छोटा है ये। अच्छा। ये 10 इंचेस है, 10 इंचेस में छोटी साइज भी देख लेते हो आप, 9 इंचेस तक का। जी। इसके अंदर साइज, मतलब साइज का डिफरेंस है बेसिकली, सब अरवाना है। आप इसके अंदर एक वैरायटी और देख सकते हो आप इसके अंदर, गोल्डन कलर अरवाना है ये वाली। जी, ये गोल्डन कलर अरवाना है। ओके। इनकी साइज 5 इंचेस है, ये भी अरवानाज में आते हैं हमारे पास बेसिकली। और भी अरवाना, आरटीजी वगैरह, हाई बैग, गोल्डन क्रॉस बैग अरवाना, ब्लू बेस अरवाना, काफी अरवाना रखते हैं, वो आपको ऑर्डर पे मिल जाएगा। ओके। ये लास्ट टाइम इसकी साइज क्या है? ये 7 to 8 इंचेस है, उसके अंदर कुछ और वेरियंट, मतलब 9 to 8 इंचेस भी है। ओके। बट हम इसके अंदर स्टॉक ज़्यादा था जब वो टाइम पे, तो हमने इधर शिफ्ट किया हुआ था, बट ये टैंक और ये टैंक आप सेम है। ऑलराइट। साइज वगैरह भी सेम। तो भाई ये जो मोनो सीबे हमने कवर किए थे, इनकी क्या साइज़ है? ये 2 इंच है। और भी इससे बड़ी साइज आपके पास है, वो हम लोग दिखा देते हैं। जो यहाँ पे है इस टैंक में, इनकी क्या साइज़ है? ये 4 इंचेस है, अगर आप इसको जूम करोगे। जी जी। यहाँ पर ये 4 इंचेस के साइज़ है। अच्छा। मोनो सीबे, अगर हम दूर से भी देख सकते हैं, साइज बड़ी है पता चल जाती है। जी। और भी बड़े होंगे ये? जी, और बड़े होंगे ये, मतलब एक अराउंड आप देख सकते हो 10। अच्छा। अच्छा। ओके। 10 to 12 इंच बढ़ते हैं। ओके। सो ये नेक्स्ट फिश टैंक, इसके अंदर भाई कौन सी गोल्ड फिश की वराइटीज है? ये लोकल गोल्ड फिश है हमारे पास। अच्छा। इसके अंदर ब्लैक मोर है, ये ब्लैक मोर है नीचे वाला, जो ये जो ब्लैक दिख रहा है वो ब्लैक मोर है। ओके। ये मद्रास का फिश है हमारे। अच्छा। हम मद्रास से लेते हैं। अच्छा। यहाँ पर आप गोल्ड देख सकते हो, ये बिग गोल्ड, मतलब बड़े गोल्ड में आता है ये। अच्छा। छोटा इनके, मतलब और साइज बढ़ते हैं इनके। अच्छा। ये गोल्ड फिश है यहाँ पर हमारे ये, बट ये लोकल है। मैंने आपको रूकिंग गोल्ड और अपना उरंडा गोल्ड दिखाया था। जी जी जी। देखिए उनका शेप, उनका वैरायटी देखिए, उसके अंदर शेप देखिए, ब्राइटनेस देखिए, और उनका शेप देखिए, तो सब उसमें दोनों में डिफरेंस है कंपैरेटिव, ये मतलब दिख जाता है कि थोड़ी सी तो दोनों में हाँ डिफरेंस है, बहुत मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सही बात है। और इस टैंक में भी ये रेड केप ओरंडा है, ये रेड केप ओरंडा है यहाँ पर देख सकते हो आप, वो इम्पोर्टेड में देख लो आपने, यहाँ पर ये लोकल ओरंडा है, ये भी मद्रास का ओरंडा है। जी जी। आपको मैंने लोकल, ये लोकल वाला है, आपको मैंने इम्पोर्टेड दिखाया था, दोनों में डिफरेंस देख लो कलर से लेके उसके शेप तक आप देख सकते हो डिफरेंस है, प्राइस भी डिफरेंस है, वो थोड़े महंगे आते हैं, ये थोड़े सस्ते आते हैं। लास्ट फिश वैरायटी हम लोग कवर कर रहे हैं, और आप इनकी कलर्स देख सकते हो, इनके पास जो पैरट्स होते हैं उनकी कलरेशन काफ़ी ब्राइट होती है। रेड पैरट्स है भाई, रेड पैरट्स के अलावा येलो पैरट्स और कौन से पैरट्स है आपके पास? रेड पैरट्स है हमारे पास, येलो पैरट्स है, फिर उसके बाद हमारे पास पोलर पैरट होते हैं, स्टॉक में नहीं है। ओके। उसके बाद हमारे पास ब्लू पैरट होते हैं। ओके। फिर उसके बाद किंग कॉन्ग पैरट होते हैं हमारे पास। अगर आपको चाहिए तो किंग कॉन्ग पैरट, वो हमारे गोडाउन में। ओके। मतलब यहाँ पर लोग ज़्यादा करके ये सब पैरट को लाइक करते हैं, वो सब बड़े बड़े किंग कॉन्ग पैरट हो गए, टाइगर पैरट हो गए, और यहाँ पर येलो पैरेट, ये हार्ट शेप पैरेट है, मैंने आपको पिछले टाइम पे भी जब लास्ट टाइम आप आए थे मैंने इसके बारे में बताया था आपको। जी जी। इनको टेल नहीं होता, और इनके टेल के पास देखो तो हार्ट शेप बना हुआ है। जी जी जी। इसके अंदर सही बात। और फिर नॉर्मल पैरेट देख सकते हो आप यहाँ पर, येलो पैरेट हमारे। ऑलराइट भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी बताने के लिए, फिशेज का नाम बताने के लिए।